Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Shivit Krati, and today in our video we are going to see chapter 4, chapter 5 and chapter 6 cartoon explanation. So kal jo hai maine ek part dala tha, I hope aap sabhi ne wo video dekh liya hoga, jisme chapter 1, 2 aur 3 ke liye jo hai cartoon explanation diya tha. So ye part 2 hai aur ab jo hai part 3 aayega, wo remaining chapters ke liye rahega. Shuru karte hain hamara aaj ka video. ओके सो ये जो है हमारा चैप्टर 4 है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हम जो भी कार्टून्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन इसमें देखने वाले हैं. सो एक्चुअली इस चैप्टर में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं. चलिए ये फिगर की बात कर लेते हैं जिससे जो है सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन फ्लैग. यूरोपियन यूनियन फ्लैग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सवाल पूछा जाता है, और वन एंड ओनली, लाइक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही सवाल इससे बनता है, वो ये है, ये जो सर्कल है ये क्या स्टैंड करता है. सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार जो है किस लिए स्टैंड करता है. सो इट स्टैंड्स फॉर सोलिडारिटी, हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप. आपको पता होगा चूंकि ये जो है ईयू का फ्लैग है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है. इसमें 12 स्टार्स हैं, और जो 12 स्टार हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है ट्रेडिशनल सिंबल है किसका, परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का और यूनिटी का, एज इट इज रिटन हियर. सो ये बहुत ही जरूरी सवाल है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये ओल्डर मेंबर्स और न्यू मेंबर्स के बारे में. सो ओल्डर मेंबर्स कौन थे और बाद में जो है ईयू को ज्वाइन कर लेता है. सो न्यू मेंबर्स के कुछ नाम आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही हैं, जैसे कि पोलैंड, सेश रिपब्लिक, हंगरी, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया. सो ये जो है सभी कंट्रीज हैं जिनके आप नाम याद रखें. न्यू मेंबर्स थे कुछ ही. ऐसा हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस, इस तरह से आपसे पूछा जाए. पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे सब देख रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. यस, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टून है. अब देखिए ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है. ये जो है 2003 का है, व्हेन द यूरोपियन यूनियंस इनिशिएटेड टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड. ठीक है, आपको पता होगा ईयू ने, ईयू की खुद ही करेंसी है, लाइक ईयू में जितने भी मेंबर नेशन हैं उनमें एग्रीमेंट है कि लाइक अगर हम आपकी कंट्री में आते हैं तो कोई बैरियर नहीं रहेगा, एक ही करेंसी सभी यूज करेंगे, तो ट्रेड में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है. अब व्हाई डज द कार्टूनिस्ट यूज द इमेज ऑफ शिप टाइटैनिक टू रिप्रेजेंट. आपको पता होगा टाइटैनिक को जो है बहुत ही लंबा सफर तय करना था, बट ये जो है रास्ते में ही डूब जाता है. कुछ ऐसी ही स्थिति जो है ईयू के साथ भी हुई थी. ईयू का था कि लाइक उसने अपनी करेंसी तो इंट्रोड्यूस की थी, बट वो चाहता था कि भाई एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया जाए, ताकि जो मेंबर नेशन है वो और अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेट कर सके. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली थी ना बात, इसमें काफी ज्यादा हर्डल्स थे, जैसे कि देख सकते हो आप, ये हर्डल हुआ, ये हर्डल हुआ, तो वो जो सपना था ईयू का वो पूरा नहीं हो पाया, और टाइटैनिक की तरह ही ये पूरा सफर नहीं कर पाया और बीच में डूब जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, आसियान से रिलेटेड ही होगा. वेट अ मिनट. ओके, ये देखते हैं, ये जो है इट इज जस्ट सिंपल मैप, यू कैन इग्नोर इट. हाँ, आशियान फ्लैग. आशियान फ्लैग जो है इसमें 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी है, यानी कि राइस, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो कि साथ में बंधी हुई है फ्रेंडशिप एंड सोलिडारिटी से. सो ये जो सर्कल है ये यूनिटी को सिंबलाइज करता है. सो आपको क्या पता होना चाहिए, सर्कल किस लिए स्टैंड करता है, एंड ये 10 स्टॉक्स का यहाँ पे मतलब क्या है. अब देखते हैं ये वाला कार्टून जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केशव द हिंदू. हिंदू न्यूज़पेपर में आया था ये कार्टून. इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस 1991 हैज लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक इंट्रैक्शन विद द ईस्ट एशियन नेशंस, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया. अब देखिए कंपटीशन में कौन कौन सी कंट्री है जो इंडिया ने कोशिश की थी लुक ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की 1991 में, तो उससे जो है बहुत ही इकोनॉमी की फायदा हो सकता था इंडिया की भी, और साथ ही साथ पूरे आशियान नेशन को. बट क्या होता है ना, कंपटीशन में इसके कौन कौन रहते हैं, चाइना, जापान और
साउथ कोरिया, इसकी वजह से हो नहीं पाती है ये। सो ये जो है मनमोहन सिंह है जो कि कोशिश करते हैं किस तरह से इस कॉम्पिटिशन को कम किया जाए। एज यू कैन सी दैट ये जो है टायर्स टाइप है कुछ, और इसको बर्न करने की कोशिश की जा रही है, तो मतलब कॉम्पिटिशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है लाइक ये टायर्स क्या हैं और ये बर्न किसको सिंबलाइज करता है। हाँ भाई, ये कार्टून भी है जो है अक्सर आता रहता है एग्जाम में। अब बात की गई है यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पे डोमिनेट कौन कर रहा था। देखिए हमने चैप्टर 2 चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि डोमिनेट तो यूएसए कर रहा था, और जो चाइना है वो क्या कर रहा था, वेट। अब देखते हैं ये जो है ग्लोब है, एंड इस ग्लोब में जो है ये वॉल दिखाई गई है, वॉल एंड ड्रैगन विच सिंबलाइज चाइना, राइट। सो ये सवाल पूछा जा सकता है, पहली बात तो ये कि ये जो वॉल है और जो ड्रैगन है वो किसको सिंबलाइज करता है, विच किस कंट्री को सिंबलाइज करता है। योर आंसर मस्ट बी चाइना। अब ये जो व्यक्ति खड़ा है ये भाई कौन है, ये व्यक्ति जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूएसए चाइना इनके बाद अगर कोई एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर थी तो वो थी इंडिया, तो इंडिया जो है वो चाइना को टक्कर दे सकता है इन फ्यूचर। सो ये जो सबसे जरूरी सवाल है, एक तो ये तो समझ में आ जाता है सबको कि हाँ भाई ड्रैगन है, चाइना को रिप्रेजेंट करता है, बट ये चीज समझ में नहीं आती ये कौन है जो इसे रोक रहा है। तो ये इंडिया है जो धीरे धीरे बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ ही रही थी उस वक्त। हाँ आई नो, अब आप कहेंगे उस वक्त क्यों कहा, तो इतने आप समझदार होंगे मैंने उस वक्त क्यों कहा। चलिए ये जो है एक और कार्टून है, देन एंड नाउ। इसमें जो है चाइना की पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो दिखाई गई है उस वक्त की, एंड फिर बाद में जो इसने रिफॉर्म्स किए उसके बाद की। माओस लिटिल रेड बुक, माओ जो है एकदम कम्युनिस्ट पॉलिसी जो थी उनकी उस पर चल रहे थे। इन्होंने जो है अपनी थिंकिंग को भी काफी थिंकिंग का जो दायरा था उसको कम करके रखा था। दायरे से मतलब है यानी कि ना तो यहाँ पे कोई प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी थी, सब कुछ सरकार के हाथ में था, जिसकी वजह से उतना ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा था। बट जैसे ही इन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाए, लाइक इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसको प्राइवेटाइजेशन उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया था, एग्रीकल्चर का हो गया था, ओपन डोर पॉलिसी आई, इसके बाद से क्या हुआ, हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाइप। ये रेड पावर टाई जो है इट मीन्स दैट वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है, और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से पॉलिसी जो है चेंज हुई, तो काफी ज्यादा पहनावे में भी चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे जो माओ है उनकी ड्रेस देखो, और यहाँ पे जो लीडर है डेंग ज़ियाओपिंग आप कह सकते हैं, इनकी ड्रेस देखो, तो काफी ज्यादा चेंज आया है। हाँ भाई, ये दूसरा कार्टून है, चाइना है ये, और ये डॉलर, और यहाँ की जो करेंसी है चाइना की करेंसी, अब भाई बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। चलिए हम ये पढ़ते हैं। लाइक द ओपनिंग इमेज फॉर दिस चैप्टर, द फर्स्ट कार्टून कमेंट्स ऑन द चेंज इन इंडिया सॉरी चाइनाज ओरिएंटेशन, द सेकंड कार्टून यूज द सिंबल ऑफ द बाइसिकल, चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसिकल इन द वर्ल्ड, टू कॉमेंट ऑन अ डुअलिटी इन टूडेज चाइना, वॉट इज दिस डुअलिटी, कैन वी ऑल कॉल दिस अ कंट्राडिक्शन। सो मतलब चाइना सबसे ज्यादा जो है साइकिल बेचता है, और अब जो है इसने ओपन डोर पॉलिसी अपना ली है, तो किस तरह से ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है डॉलर को और अपनी करेंसी को। हाँ तो आई थिंक हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है, हम चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 जो है वो है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, सो जो कि काफी अच्छा है, और यहाँ पे इमेज ये ब्लर है बट कोई बात नहीं, स्टिल आई ट्राई। डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। तो ये कुछ सर्वेज हैं जो कि आपको काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं इफ यू वांट टू राइट योर आंसर मोर इफेक्टिवली, और मतलब और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो आप अपने आंसर को, तो आप ये डेटा को यूज कर सकते हो। मान लो भाई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इंडिया के बारे में पूछा गया है, और किस तरह की जो पॉलिटिकल कंडीशन है डिफरेंट साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज है उनकी रही है, तो आप ये यूज कर सकते हो किस तरह से जो है सभी जगह पे डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस दी गई एक्सेप्ट पाकिस्तान, एंड वेरी लो डाउट सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। ओके, और नीचे भी ये डेटा है विच इज नॉट एट ऑल क्लियर,
कंट्रीज वर्ल्ड यहाँ पे जो है बताया गया है किस तरह से जो है अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी है एंड ऑल। इसमें आप देखेंगे तो श्रीलंका जो है वो एक बहुत ही छोटी कंट्री है इन कंपेयरिंग टू दीज ऑल, बट स्टिल उसका परफॉर्मेंस जो है वो बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा रहा है। लेट्स सी दिस। ओके सो ये काफी इंटरेस्टिंग कार्टून लगता है इसमें। इसमें क्या है, ये परवेज मुशर्रफ है उस वक्त के पाकिस्तान के जनरल। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ इट मींस दैट कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ये जनरल बनते हैं ना थोड़ा सा फायदा होगा, अगर ये जनरल भी रहते हैं और प्रेसिडेंट आई मीन से प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी प्राइम प्रेसिडेंट ही सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो अगर ये प्रेसिडेंट और जनरल दोनों रहते हैं तो इनको डबल फायदा होने वाला है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बट मैंने चेक किया हाँ भी प्रेसिडेंट ही है। सो ये आर्मी जनरल थे। अच्छा भाई आपने स्टोरी पढ़ ली होगी, चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उस वक्त क्या कंडीशन थी। जनरल परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा दिया था 2001 में। फिर इसके बाद इन्होंने खुद ही को जो है प्रेसिडेंट बना लिया। अक्सर यही कहानी रही है पाकिस्तान की, यहाँ की मिलिट्री ने जो है कुछ इसी तरीके से रूल किया है। सो ये अपने आप में ही सोच रहे हैं आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, मैं जो है कैलकुलेशन में काफी अच्छा हूँ। सो इन्होंने दोनों ही अपने आप को बना लिया, दोनों ही पोस्ट खुद के लिए रिजर्व कर ली। हम देखते हैं दूसरा कार्टून। ये भी कार्टून जो है लास्ट ईयर आया था पेपर में, ये भी हिंदू में निकला था। 10 कार्टून डिपिक्ट्स द डिलेमा ऑफ श्रीलंकन लीडरशिप इन ट्राइंग टू बैलेंस सिन्हाला हार्डलाइनर्स और द लॉयन एंड तमिल मिलिटेंट्स और द टाइगर वाइल नेगोशिएटिंग पीस। अब भाई ये हैं राजपाकीस, ठीक है, ये हैं कहाँ के, श्रीलंका के लीडर। अब ये क्या कर रहे हैं, ये भाई बड़ा मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिन्हालास जो हैं और जो तमिल मिलिटेंट्स हैं इनमें कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो जाए, ये किसी ना किसी तरीके से जो है बैलेंस हो जाए। क्योंकि उस वक्त ना केवल उस वक्त बल्कि अभी भी जो है श्रीलंका में सिविल वॉर जारी है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखो भाई दोनों ही इनको आंखें दिखा रहे हैं। अभी इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है, ये जो लॉयन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो भाई साफ साफ लिखा है सिन्हाला, और ये जो है टाइगर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है LTTE को रिप्रेजेंट करता है। अब भाई मुझे फुल फॉर्म बताइए LTTE का, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट कार्टून। नेक्स्ट कार्टून ये है अ व्यू ऑफ करेंट फेज ऑफ इंडो पाक नेगोशिएशन। इंडो पाक रिलेशंस प्रोग्रेसेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल्स। ये आसपास देखो बंकर्स है। पहले तो होता है युद्ध, आपको पता होगा बहुत ही वॉर हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के। अब भाई वॉर होने के बाद जो है एट लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये जो है क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे, नेगोशिएट करेंगे एक दूसरे से, बट ऐसा हो नहीं पाता है। ये डिफरेंट टेबल्स देख रहे हो, ये डिफरेंट टेबल शोज दैट ये बस टेबल ही चेंज करते रहते हैं और नेगोशिएशन नहीं होता है। और देखो कितनी दूर, ये है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और ये जो है पाकिस्तान के लीडर हैं, तो ये यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ पे हैं, बहुत ही दूरी दूरी जो है इनमें बनी हुई है और नेगोशिएशन किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और बंकर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई नेगोशिएशन नहीं होगा तो वॉर तो होना ही होना है। नेक्स्ट हमने जो है ये वाला चैप्टर भी काफी हद तक अभी नहीं कंप्लीट किया है। हाँ सार्क समिट। सार्क समिट, वट डज दिस कार्टून टेल यू अबाउट द रोल ऑफ इंडिया पाकिस्तान इन द प्रोसेस ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया। अगर साउथ एशिया के कंट्रीज की बात करोगे तो ये सभी कंट्रीज हैं, यानी कि भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाक, मालदीव्स, नेपाल। और जो मेजर प्लेयर है इसमें वो है इंडिया और पाक, जैसे कि जो चेयर रखी है ना उससे पता चलता है कि ये मेजर प्लेयर है। बट इन दोनों में तो होती रहती है लड़ाई, लड़ाई यानी कि नेगोशिएशन, वॉर, यही सब होता रहता है। तो कुछ कंट्रीज क्या है इंडिया का साइड, इंडिया का फेवर लेती है, कुछ जो है पाकिस्तान का फेवर लेती है। अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई सभी कंट्रीज जो है ऐसे छोड़ के चली जाती है टेबल। सो जो सार्क समिट है वो कभी भी ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और ये भी कहा जाता है उस वक्त उस दौरान की, ठीक है अभी तो सार्क में
काफी अच्छी अच्छी जो है एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ट्रीटी हो रही है, और कहीं ना कहीं ये रीजनल कोऑपरेशन के मामले में इमर्ज भी हो रहा है, पावरफुल इमर्ज हो रहा है। बट उस वक्त का जो सिनेरियो था वो कुछ ऐसा नहीं था। नेगोशिएशन तो मतलब भूल ही जाओ, इनफैक्ट सभी कंट्रीज यूं भाग के चली जाती थी। तो ऐसा होता था कि सार्क समिट का कोई कंक्लूजन ज्यादा निकलता नहीं था। ये देखते हैं, ये जो है इसमें क्या है, हे मिस्टर हु, ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू कोर इश्यूज विद इंडिया। अब भाई ये पाकिस्तान है जो कि बहुत ज्यादा जल रहा है, जब चाइना के लीडर और ये जो है इंडिया के लीडर, एस आप देख सकते हैं ये जो है कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो दोनों में जब कोई ट्रीटी होती है या फिर कोई अग्रीमेंट होता है तो पाकिस्तान को बड़ी जलन होती है कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा था तो भाई इंडिया का आप साथ क्यों दे रहा है। तो ये जो है अ काइंड ऑफ जेलिसी दिखा जाती है यहाँ पे। और ट्रेड कॉमर्स इकोनॉमी, व्हाई डोंट यू जस्ट स्टिक टू द कोर इश्यूज विद इंडिया, सो यही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट कार्टून देखते हैं, यह है पाकिस्तान ट्रिब्यून, टू कार्टून्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरप्रेट द रोल ऑफ टू की प्लेयर्स हु आर आल्सो इंटरेस्टेड इन दैट रीजन। हाँ एक और चीज बता दूं आपको, यहाँ पे टू पर्सपेक्टिव है, एक तो चाइना वैसे तो पाकिस्तान के साथ है बट यहाँ पे इसका डुअल रोल दिखाया गया, ये इंडिया के साथ भी है और कुछ इसने ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये जो आप सेकंड कार्टून देख रहे हो इसमें ये कैप, इसमें इतना क्लियर नहीं है बट आप अपनी बुक में देखोगे तो ये कैप जो है आपको कलरफुल दिखाई देगी। उस कलरफुल कैप में आपको पता चलेगा ये यूएसए बैठा है, यूएसए एम्पायर की प्लेस पे बैठा है और ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर हैं। इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर है, ये खेल रहे हैं क्या, टेनिस, और टेनिस की बॉल जो है इधर पे है और ये जो इनकी उंगलियां हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं, ये बताती हैं कि भाई देखो हमारा पॉइंट हुआ है और हमें जो है पॉइंट मिलना चाहिए, ये बॉल मेरी तरफ है, ये बॉल इनकी तरफ है तो हमें पॉइंट दो। और यूएसए क्या है कि भाई ये जो है बीच में एम्पायर की पोजीशन पे बैठा हुआ है और डिसाइड कर रहा है कि किसकी बॉल जो है कहाँ पर है और किस कोर्ट में गई है। अल्टीमेटली यूएसए नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है इंडियन पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि यूएसए को तो दोनों तरफ से फायदा ही है। अब देखते हैं चैप्टर सिक्स के कार्टून्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कार्टून, ड्यूरिंग जून 2006 इजराइल अटैक्ड लेबनन, ठीक है, सेइंग दैट इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द मिलिटेंट ग्रुप। अब भाई इजराइल ने अटैक कर दिया लेबनन पे और क्यों किया, कहा कि भाई कंट्रोल करने के लिए, मिलिटेंट जो ग्रुप थे, मिलिटेंट ग्रुप का नाम था हेजबोला, इनको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जो है हमें अटैक करना ही होगा। लार्ज नंबर्स ऑफ सिविलियंस वर किल्ड एंड मेनी पब्लिक बिल्डिंग एंड इवन रेसिडेंशियल केम एंड अंडर इजरायली बॉम्बर्डमेंट, द यूएन पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन दिस ओनली इन अगस्त एंड इजरायल आर्मी विथड्रू फ्रॉम द रीजन ओनली इन अक्टूबर। बोथ कार्टून कमेंट्स ऑन द रोल ऑफ द यूएन एंड इट्स सिक्योरिटी जनरल इन दिस एपिसोड। कुल मिला के हमला हो गया तब जाके जो है यूनाइटेड नेशन ने इसमें इंटरप्ट किया, इस मामले में इंटरप्ट किया। तो भाई लोग तो मर ही चुके हैं, सिविलियन तो मर ही चुके हैं, तो यूनाइटेड नेशन का जो रोल है वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा क्या मतलब बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे धुआं निकल रहा है, बर्बादी हो ही गई है और ये यूनाइटेड नेशन का जो उसका सिंबल है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी सेक्रेटरी जनरल बीच में फंसे हुए हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया, बस जब हमला हो गया तब जाके आर्मी को विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया, दैट्स इट। बाकी हमला हो चुका था, लोग मारे जा चुके थे ऑलरेडी। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने कर लिया मतलब उसकी आधी कंफ्यूजन जो है दूर हो ही जानी है। तो ये अ टाइम फॉर रिन्यूअल, वर्ल्ड बैंक, हाँ टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूएन रेगुलर बजट 2005 का है, बेटर होगा आप 2019 का और आसपास का ही निकाल लें। सो टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, यूएस आता है सबसे पहले, जापान आता है, जर्मनी आता है। जो कंट्री जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसकी उतनी ही चलती है, ठीक है, एकदम घर जैसा ही है, घर पे जो है पेरेंट्स की ही चलती है, आपको ज्यादा नहीं कर सकते हैं।
अब देखते हैं ये वाला, यूएस सॉरी यूज ऑफ वीटो पावर अप टू 2006 बाय परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स जो कि पांच हैं, एक तो हो गया यूएसएसआर, इसकी जगह जो है अब रशिया आ गया है, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना। तो किस कंट्री ने कितनी बार वीटो पावर यूज किया? तो अगर देखा जाए तो 122 बार, 122 टाइम्स जो है वो यूएसएसआर यानी कि रशिया कर चुका है। यूएसए ने 82 टाइम्स किया है, यूके ने 32, फ्रांस ने 10 और चाइना ने 4। यहाँ पे जो है ये क्लियर नहीं है, बट ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन केस यू आर राइटिंग योर आंसर। एज आई सेड दैट काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। देखते हैं ये क्या है, अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दरफर जो कि सुदान में है 2003 हैज अट्रैक्टेड एम्प्टी प्रॉमिसेस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब भाई जो उस वक्त यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था सुदान में, यहाँ पे पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब्ड है इफ यू विल रीड इट। तो उस वक्त क्या हुआ था, इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, मतलब इतनी मात्रा में लोगों को मारा गया था, काटा गया था, बट स्टिल इंटरनेशनल कम्युनिटी, जब हम बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी इसकी यानी कि यूएन के अंदर जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है, इनकी तरफ से खाली खोखले शब्द ही मिले थे, बाकी कुछ नहीं मिला था। सो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहा उस वक्त यूनाइटेड नेशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, ये इसमें जो है ये कार्टून है और ये क्या दिखाता है, 16 टन्स टेनिस एंड फोर्ड। सो एक्चुअली ये क्लियर नहीं है, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। इफ द राइट वन डोंट गेट यू, अगर आपको सीधे सीधे नहीं समझ में आता है, इफ द लेफ्ट वन विल, तो अगर अगर आपको सीधा समझ में नहीं आता तो उल्टा तो जरूर आएगा। यानी कि पहले तो यूनाइटेड नेशन जो बात करना चाह रहा है उसकी मान लो, अदरवाइज जो है हम डायरेक्ट वॉर करेंगे। तो ये जो है कुछ तरीका था उस वक्त यूएसए का। ठीक है, इसमें यूएसए ही है, यूएसए इसलिए कह रही हूं मैं, एस जैसे कि मैंने कहा उस वक्त जो है इसकी हेजमोनी थी। हेजमोनी इट मीन्स दैट इसका पोर्शन हर चीज में यूनाइटेड नेशन में ज्यादा था, तो ज्यादा इसकी चलती थी। आपको पता होगा यूएसए ने कई सारे मनमाने अटैक किए थे अगेंस्ट द विश ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो मतलब पहले तो यूनाइटेड नेशन के हेल्प के थ्रू ये मदद करता है, ये नेगोशिएट कर ले, कंट्रीज अगर नहीं करती है तो ये डायरेक्ट अटैक कर देता था, उनपे वॉर कर लेता था। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया हमारा सिक्स चैप्टर आल्सो। नाउ 7, 8, 9 जो कि हम कल वीडियो देखेंगे इसका, इसके बाद जो सेकंड बुक है उसके कार्टून्स देखेंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड वेल। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग, बट फिर भी कोई गलती हो गई हो, कुछ छूट गया हो, तो प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। यू गाइज आर फ्री टू गिव योर फीडबैक, क्योंकि आपकी फीडबैक ही मेरा कंटेंट इम्प्रूव करते हैं और आपको अच्छी वीडियोज मिलती हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिविर कृति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज। विल मीट सून इन आर नेक्स्ट वीडियो।